हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिगर। बड़े सारे लोग मुझे ये शब्द बताते हैं कि मैम, ये बोलते हैं मेरे सामने कि मैम उसने हमें ट्रिगर कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे ट्रिगर कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे फिर से ट्रिगर कर दिया। अच्छा खासा मैं अपनी लाइफ में अच्छा जा रही थी, अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी पे फोकस थी। आपने बताया था कि फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। अच्छा खासा मैम सब कुछ जा रहा था, इनर वर्क चल रहा था, इतना खुश थी, इतना बैलेंस थी। अचानक से मेरे पार्टनर ने जो है मुझे ट्रिगर कर दिया। और आजकल तो एक स्टेप और आगे हो गया है कि आजकल लोग जाके कह रहे हैं कि मैम, जिन लोगों के साथ है, जिनको वो अपना फ्रेंड समझते थे, वो मुझे बता रहे हैं कि मैम, हम जिन लोगों के साथ इतना बातें करते थे, जिनके साथ ग्रुप में थे, आजकल वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो क्यों कर रहे हैं आपको इतने सारे लोग ट्रिगर? कभी आपका पार्टनर ट्रिगर कर रहा है, कभी आपको कोई आपका फ्रेंड ट्रिगर कर रहा है, कभी कोई और कर रहा है। आप अच्छा खासा अपनी लाइफ में जी रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, फिर अचानक से ये ट्रिगर्स कैसे आ जाते हैं, कभी सोचा है आपने? तो मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप किसी क्लास में हो, आपको पता है ना, मुझे स्कूल के एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में हो और आप पढ़ रहे हो सब कुछ, और आप रोज़ बोल रहे हो कि मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है, मुझे तो सब कुछ आ रहा है, जो इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, सब मुझे समझ आ रहा है, सब मुझे समझ आ रहा है, सब मुझे समझ। और फिर एक दिन आपके क्लास की जो टीचर है अचानक से आपको बोल रही है, चलो तुम सबके टेस्ट लूँगी मैं, चलो दो टेस्ट। और आप लोग एकदम से, मतलब जो उस क्लास में है वो एकदम से घबरा जाए कि हैं, अरे टीचर टेस्ट ले रही है, और आप घबरा रहे हो। तो यही सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में भी हो रही है। आप लोगों को हम सब ने बता दिया है कि भाई क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, इनर वर्क पे फोकस करना है। अपने अपने हिसाब से सारे लगे पड़े हैं कि कोई इनर वर्क कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, सब लगे पड़े हैं। लेकिन यूनिवर्स को भी तो चेक करना है आपको, यूनिवर्स को चेक भी तो करना है कितना काम किया है आपने। तो ज़रा भाई इसका हम टेस्ट लेते हैं ज़रा बैठ के। बड़े दिनों से बड़ा दिखा रहा है, दिखा रही है कि बड़ा अच्छे लेवल का इनर वर्क चल रहा है मेरा, तो ज़रा इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए अब यूनिवर्स या जो फरिश्ते हैं वो डायरेक्ट तो आएंगे नहीं ना अपने पंख फैला के आपके पास कि ज़रा क्या बोलते हैं, शीला या सुनीता या राकेश, ज़रा बताओ ज़रा कितना अच्छा काम किया, ज़रा हम तुमसे सवाल जवाब करते हैं, वो तो नहीं पूछेंगे ना डायरेक्ट। तो वो क्या करते हैं, चुनते हैं अपने बंदे, ठीक है, उन बंदों को आपकी लाइफ में, उन बंदों से आपको ट्रिगर कराते हैं, ठीक है। और अगर आप ट्रिगर हो गए तो इसका मतलब कि गया, फिर मतलब देख लिया, यूनिवर्स ने देख लिया आपको कि कितना काम किया है। कई बार क्या होता है, बिल्कुल ही आप जीरो वाले लेवल पर फिर से पहुंच जाते हो, मतलब जो आप इतने दिनों से शो कर रहे थे कि हाँ मैं तो बड़ा इनर वर्क कर रही हूँ, मैं तो बड़ा सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो फुली बैलेंस। और एक इंसान ने, यूनिवर्स ने एक आदमी को कठपुतली बना के आपको टेस्ट किया और आप फिर से जीरो पे हो गए, तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे थे आप, सिर्फ एक नाटक ढोंग चल रहा था बस दिखाने के लिए कि हाँ, जैसे क्लास में बच्चे करते ना कई बार, हाँ हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने आपको ट्रिगर किया और आप इतना नहीं हो रहे हो, थोड़ा बहुत हो रहे हो, इतना नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चेक कर लेता है कि हाँ, मतलब इसने काम किया है। यूनिवर्स के टेस्टों को आप देख पाते हो? मैं, मेरी लाइफ में जब कोई ट्रिगर मोमेंट आते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा, अब जो है फिर से फरिश्ते जो हैं टेस्ट ले रहे हैं, वो जो थर्ड एनर्जी है जो हमारे ऊपर बैठ के सब कुछ देखती है, सब कुछ चलाती है, आज वो फिर से मेरा टेस्ट ले रही है। सो कई बार क्या होता है, आप थोड़ा कम इफेक्ट होते हो तो समझ आ जाता है यूनिवर्स को कि अभी मतलब 10 में से आए हैं इसके कुछ, अच्छा क्या 4-5 आए, फिर वो कुछ समय बाद फिर से आपका टेस्ट लेंगे फिर से, और फिर आपको चेक करेंगे कि आप कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो उस चीज़ से। जब तक कि आप बिल्कुल इफेक्ट, आप पे इफेक्ट होना बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता ना, तब तक वो कंटिन्यू कुछ कुछ महीनों में जैसे स्कूल में होते हैं ना, कुछ कुछ महीनों में टेस्ट चलते रहते हैं, ऐसा रियल लाइफ में भी आप देखना, आपके कुछ कुछ दिनों में टेस्ट चलते रहेंगे। और आफ्टर अवेकनिंग तो आप देखना बार बार ट्रिगर मोमेंट्स आते रहते हैं, बार 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 बार, कुछ कुछ महीनों में। पहले पहले तो किसी मेन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ होता रहेगा, बाद बाद में आप देखना कि कुछ और नए लोग सडनली उनकी एंट्री होगी, आपके पास कनेक्शंस कार्मिक थे या जो भी थे, उनके थ्रू वो आपका टेस्ट लेते रहेंगे। बट वो जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड है या कोई भी पार्टनर आपके साथ जो कर रहा है, वो पूरा यूनिवर्स का एक गेम है आपको चेक करने का।
और अगर आप बिल्कुल ही जीरो पे हो गए हो, बिल्कुल ही बिखर गए हो, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि भाई जीरो है, अब इसका कोई हिसाब नहीं हुआ। कुछ समय बाद फिर से इसका टेस्ट लेंगे, देखते हैं कि कितना इसने काम किया है। तो लाइक ट्रिगर्स को बिल्कुल भी ट्रिगर की तरह लेना बंद कर दो, ट्रिगर्स को नोटिस करना शुरू करो कि यूनिवर्स जो है फिर से हमारा टेस्ट ले रहे हैं, तो वो हमें चेक कर रहे हैं। और अगर आप देखो आप इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप दिमाग में रख लो कि आने वाले टाइम में फिर से टेस्ट होगा कुछ महीनों में, ठीक है। और कम हो रहा है, सो वेरी गुड, कम हो रहा है, फ्रेंड ने ट्रिगर कर दिया या पार्टनर ने ट्रिगर कर दिया और फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, सो वेरी गुड, कुछ टाइम बाद फिर से होगा और आप देखोगे कि बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो, ठीक है। सो ट्रिगर्स को ना टेस्ट की तरह लेना शुरू कर दो, यूनिवर्स के टेस्ट, जैसे बचपन में हम स्कूल में टेस्ट देते थे वैसे यूनिवर्स के टेस्ट की तरह लेना शुरू कर दे। मुझे लगता है ये अर्थ जो है एक यूनिवर्सिटी है, अर्थ यूनिवर्सिटी, और ट्रिगर्स जो हैं हमारे टेस्ट हैं, और अगर हमने पास कर लिया तो बढ़िया भाई, हम आगे निकल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने क्या कहने की कोशिश करी है, कि ट्रिगर ट्रिगर है ही नहीं, ट्रिगर्स यूनिवर्स के टेस्ट हैं, जिसमें कि आपको चेक किया जाता है, जो आप बड़े दिनों से शो कर रहे होते हो कि मैं तो काम कर रही हूँ अपने ऊपर, मैं तो, मेरे में तो बहुत सुधार आ गया है, यूनिवर्स दो मिनट में टेस्ट लेके बता देते हैं, आपको आईना दिखा देते हैं कि कितना काम हुआ है तुम्हारे ऊपर। ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।